अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखें, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्लीज़ आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को अगर पसंद करते हैं तो उसको लाइक तो किया करें। बहुत सारे लोगों के रिमार्क्स भी आ जाते हैं और वो लाइक उतने नहीं होते जितने नीचे लिखा होता है कि वेरी गुड जी, वेरी नाइस जी, बड़ा पसंद आया व्लॉग, ये है वो है, फलां है फलां है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है ना। तो दोस्तों लाइक भी कर दिया करो, लाइक तो फ्री होता है, सब कुछ फ्री है, बस आप लोग खाली देखते हो। अगर पसंद नहीं आता व्लॉग तो चलो बहुत बात है, लेकिन जब आप लिखते हो कि पसंद आते हैं आपके व्लॉग तो एक जो है ना वो लाइक भी कर दिया करें। कुछ नहीं जाता आप लोगों का, बस खुशी होती है ना कि जो है ना पसंद किया जा रहा है वीडियो को, फिर और दिल करता है कि बनाने का, और काम करने को दिल चाहता है। तो ये है जी बाटा का एक राउंड, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो पहले भी मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बाटा पे एक पूरी स्टोरी जो है वो बयान कर चुकी हूँ कि बचपन से ही हमें बड़ी ही इससे चिढ़ हुआ करती थी बाटा के नाम से ही, क्योंकि अक्सर मेरी जो एज फेलो लोग हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे कि पेरेंट्स पकड़ के ले जाया करते थे बाटा शॉप में और वहीं से कहते थे पसंद करो और बस यही सब कुछ है ना। तो फिर बड़े ही स्कूल के भी जो यूनिफॉर्म के लिए जो शूज़ होते थे वो भी बाटा के ही होते थे, तो स्कूल की तरफ से ही होता था कि बाटा से ही लिए जाए, तो वो बड़ा एक अजीब सा दौर था, बाटा से बड़ी ही चिढ़ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाटा भी बड़ा मॉडर्न हो गया और आजकल ये इस किस्म का मॉडर्न हो गया कि अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। अभी भी 1977 वाली चीज़ें भी यहाँ पे पाई जाएंगी, आपको दिखाई देंगी, लेकिन ये है कि बाटा है तो बहुत पुराना ब्रांड, आप सबको ही पता है। तो कुछ तो बाटा के शूज़ ऐसे होते हैं ना कि ऐसे वाला ये जो भी गुजरा है तो इनको देख के ना इतनी ज़्यादा यकीन बने कि मुझे जो है ना हंसी आती है कि ये चेंज नहीं हुए डिज़ाइन इनके, अभी तलक वैसे के वैसे हैं। तो फिर आखिर कोई ना कोई तो पहनता होगा ना इन डिज़ाइन को, तो तभी तो ये बनते हैं ना, वैसे क्यों बने, आखिर लोग पसंद करते ही होंगे तो ये चल रहा है सब कुछ ना। तो वैसे अपनी जगह बात है कि कुछ चीज़ें ना बाटा की बस मेरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अक्सर लेती रहती हूँ। अच्छा जनाब, बाटा का तो आप लोगों को मैंने चक्कर लगवा दिया और मैंने भी जो कुछ ख़रीदा वो आगे चल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर हम लोग जब शॉप से बाहर आए तो फिर थोड़ी जैसे थकावट सी होगी, क्योंकि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो उससे पहले की जो एक कोशिश होती है जानना, उससे पहले घर को समेटना, घर से निकलना, वो एक बड़ा ही मुश्किल अमल होता है। तो चाय नहीं पी थी हम लोगों ने आज ना, तो फिर इधर हम लोगों ने चाय मंगवाई और यहाँ पे हम चाय पी रहे हैं। और फिर चाय के बाद जब हम वापस घर आए तो ये ईमान फातिमा के शूज़ थे न्यू वाले, तो वहाँ पे पहनाते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन चलें यहाँ देख लें, क्योंकि इसके बाद जो है ना मैं नेक्स्ट आगे चल के अपनी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करूँगी तो उसमें ये शूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो ये पहन के इस टाइम घर से बाहर निकली हुई थी थोड़ी देर पहले ना, अभी वापस आई है, लेकिन अभी वो ये जो है ना मैं दिखा नहीं सकी आपको, तो इसके पाँव में ही देख लें। ये बड़े अच्छे सेल में मेरे हाल में मुझे 700 की 800 रुपए के ईमान फातिमा के मिले, ये इसका खाली डिब्बा पड़ा है। अच्छा ये अमान साहब के थे, ये मेरे ख्याल में 2500 के या 2600 के मिले हैं, बाटा से ही लिए हैं, और ये 5000 के हैं। ये भी बहुत अच्छा शूज़ है, अक्सर मेरे हस्बैंड जो है ना वो इसी किस्म के डिज़ाइन पसंद करते हैं, अक्सर उनके जितनी भी मतलब जूतों की जितनी भी वो कलेक्शन सारी इसी टाइप के, ब्लैक वाला जो है ना उसमें हर कलर के शूज़ होते हैं। अच्छा ये जो था ये मैंने पिछली अपने मेरे व्लॉग अगर आप प्रीवियस देखें तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कलर की मैं काफ़ी देर से इंतज़ार में हूँ कि मुझे ये कलर लेना था शूज़ में ना। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना तो ये मेरे ख्याल में 4000 का लगा हुआ था ये वाला जूता ना, लेकिन मुझे जो है ना सेल में कुछ परसेंट ऑफ करके और ये एक ही जूता रह गया था उस पूरी सेल में ना, तो ये मुझे मिला है
तेईस सौ का ये जूता मुझे मिला है। ये पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, तो फिर पता नहीं शायद इसमें कोई एक रह गया होगा, जैसे साइज़ एक रह गया था, तो ये फिर सेल में मुझे मिल गया। तो ये बड़ी जी आज मेरी गुड लक थी, मुझे बहुत पसंद था ये कलर और मैंने ये शूज़ लेना ही लेना था। काफ़ी टाइम से मुझे जो है ना ये करता था, अट्रैक्ट करता था कि मुझे ये लेना है। अच्छा, इधर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बास टाइम हम भूले होते हैं, मेरे जूसर को नज़रअंदाज कीजिएगा, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। लेकिन जाहिर सी बात है, अब शादी की चीज़ें हैं, इनको फेंका तो नहीं जा सकता, बड़ी पुरानी सही लेकिन है तो सही, अल्लाह का शुक्र है। चेंज करने का अक्सर सोचती हूँ लेकिन फिर कहती हूँ चले चेंज कर लेंगे, अल्लाह देगा इंशाल्लाह ने आप भी। अच्छा, यहाँ पे बताना चाह रही थी जनाब, चिकंदर का जूस पियो, सेब में डाल के, गाजर में डाल के, और चिट्टे गोरे हो जाओ, बड़ा ही मज़े का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आजकल चीज़ें आई हुई हैं, फ्रेश फ्रेश सी गाजरें, ख़ास तौर पे गाजरें, चिकंदर और एप्पल मिला के आप लोग सेब वो सॉरी जूस बनाओ और इंजॉय करो, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो और व्लॉग को पसंद करो, और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना मुझे तो सब्सक्राइब भी करो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।